जय श्री राम प्यारे भक्तों, भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो अब आप ऐसे कहोगे कि ये हम क्या बोल रहे हैं कि इच्छा पूरी नहीं हुई और उसके बाद भी भगवान को धन्यवाद करें। हाँ प्यारे भक्तों, बिल्कुल भगवान को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जब आप कोई भी इच्छा रखते हैं, जो भी आपकी मनोकामना होती है, तो इंसान की जब वो मनोकामना पूरी तो हो जाती है तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन कई बार इच्छा पूरी नहीं होती तो इंसान बड़ा परेशान होता है और भगवान को उल्टी सीधी कहने लग जाता है, दोष देने लग जाता है। यही तो गलती करते हैं प्यारे भक्तों। भगवान को दोष मत दीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि भगवान ने अनर्थ होने से बचा लिया। आप भगवान का नाम जप करते हो, भगवान के ऊपर आपने अर्पण कर दी है, वो कोई भी बात है, कोई भी इच्छा है आपकी, और संकल्प लेके भी करते हो, अगर उसके बाद भी भगवान उस इच्छा को पूरी नहीं करते प्यारे भक्तों, तो ये निश्चित है, निश्चित कि वो इच्छा आपके दुखों का कारण बन जाती। इसीलिए भगवान ने उसको पूरा नहीं किया, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आपको दुख हो, कष्ट हो, क्योंकि भगवान हमारा भविष्य देख सकते हैं और हम तो अपना भविष्य नहीं देख सकते कि आने वाले समय में जो हम इच्छा भगवान से मांगी है, जो हमने चाह की है, क्या वो हमारे फ्यूचर के लिए ठीक रहेगी या नहीं। तो जब पूरी नहीं होती हमें बुरा लगता है, लेकिन भगवान को ये पता है कि ये इसके लिए ठीक नहीं है भविष्य के लिए, तो वो उसे पूरी नहीं करता। तो आपको भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु जो किया आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि आप मेरा भविष्य देख सकते हो, तो आपको पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। जिस प्रकार प्यारे भक्तों बच्चा होता है, तो जवान बच्चे में भी कई बार ऐसी गलत लत हो जाती है, गलत चीज़ों की जिद कर बैठता है, लेकिन माँ बाप को ये पता है कि ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है, तो वो उसे प्यार से समझाता है, प्यार से नहीं मानता, जिद कर लेता है बच्चा, तो उसको मारता है, पीटता है, कमरे में भी बंद कर देता है। और कई बार अगर उसके बाद भी बच्चा नहीं मानता तो जिद के वश माँ बाप को अगर इच्छा पूरी करनी भी पड़ जाती है ना, तो उसका फल भुगतना पड़ता है। और अगर नहीं पूरी करता तो माँ बाप को ये पता है कि ये उसके भविष्य के लिए ठीक है, चाहे बच्चे को एक बार कितनी ही बुरी क्यों ना लगे। तो अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी, उसके विपरीत आपको भगवान का कोटि 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 धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने मेरे लिए जो किया वो अच्छा ही किया है, क्योंकि आप मेरा भविष्य देख सकते हैं और आप मेरे लिए अच्छा ही करोगे, क्योंकि वो तो निश्चित है प्यारे भक्तों, वो कभी गलत तो कर ही नहीं सकते परमपिता परमेश्वर, वो जो कुछ भी करते हैं वो बिल्कुल 100% सही होता है, उनके काम में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती होने का कोई चांस है ही नहीं, गलतियां तो हम ही करते हैं और उल्टा दोष भी उन्हीं पे लगाते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए, कोई भी आप कार्य करें, कोई भी इच्छा रखें, उन पर अर्पण कर दीजिए, जबरदस्ती उनसे कुछ भी ना मनवाएं, क्योंकि कई बार अगर आप ज़्यादा ही जिद करेंगे, बार बार संकल्प देंगे, बार बार नाम जप करेंगे, तो उनको मतलब मजबूर होकर वो इच्छा पूरी करनी भी पड़ जाती है, तो फिर हो सकता है वो आपके भविष्य के लिए अच्छी ना, उन पे बस आप इच्छा कीजिए और अर्पण कर दीजिए, फिर वो आपके लिए बेस्ट से भी बेस्ट करेंगे। बाकी प्यारे भक्तों, हम तो आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, मर्जी आपकी है, मान्य ना मान्य, हम तो अर्जी कर सकते हैं आपसे। और हमारा दूसरा चैनल ज्ञानदूत है, आप उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।